दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में आए दिन अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ भी समाप्त हो चुका है और लगातार अपराधी आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है, जहां नालंदा में लूटपाट का विरोध करने पर मां और पुत्री की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। दरअसल आपको बताते चले कि डबल मर्डर होने पर नालंदा में सनसनी फैल गई। घटना के संबंध में आपको बताते चले कि दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पेंदापुर गांव में बुधवार को मां और बेटी की हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया, जिससे शहरवासी सहम गए। लूटपाट के विरोध पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। मृतका स्वर्गीय संतोष सिंह की 28 वर्षीय पत्नी सीमा देवी और उनकी 12 वर्षीय पुत्री स्वाति कुमारी शामिल है। बताया जाता है कि मृतका सीमा देवी जीविका में सीएम थी। मृतका की सास सुमित्रा देवी मायके गई थी और जब शाम में घर लौटी तो दरवाजा बंद पाया और घर से दुर्गंध आ रही थी। अनहोनी का आशंका देखकर उसने पुलिस को सूचना दी। तत्पश्चात ताला तोड़ने पर कमरे में मां और बेटी का शव मिला और शवों में कीड़े लग चुके थे, जबकि कमरे में सामान बिखरा पड़ा था और बक्से टूटे हुए थे। बुजुर्ग सास जेवर नकदी चोरी का आरोप लगा रही है। पुलिस सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतका की सास ने बताया कि वह 4 दिन पहले खुदागंज स्थित मायके चली गई थी और घर में उसकी बहू के अलावे उसकी पोती शामिल थे। जबकि शाम में वह घर लौटकर आई तो बाहर के दरवाजे पर ताला लगा देखा और अंदर से दुर्गंध आ रही थी, जिससे उन्हें अनहोनी का अंदेशा हुआ। सूचना पाकर आई पुलिस ने दरवाजा खोला और कमरे में बहू और पोती की लाश पड़ी मिली। बदमाशों ने लूटपाट के दौरान दोनों मां और बेटी को मौत के घाट उतारा है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद बिहार शरीफ सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। सब को देखकर यह प्रतीत होता है कि 3 से 4 दिन पूर्व इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इधर पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो